फ्लटर वीडियो प्लेयर। पिछले एपिसोड में हमने कवर किए थे कि किस तरीके से ग्रिड व्यू क्रिएट किया जाता है एक मोबाइल ऐप में। अब हमारा टास्क है कि जब उस कार्ड पर क्लिक होगा तो हमें नेक्स्ट स्क्रीन में एक वीडियो प्लेयर ओपन करना है और उसी कोर्स की प्लेलिस्ट वहाँ पे नीचे डिस्प्ले होनी चाहिए। तो इस वीडियो प्लेयर को कैसे इंटीग्रेट किया जाता है फ्लटर में और ये जो लिस्ट है नीचे इसको कैसे डिस्प्ले किया जाता है, और यहाँ पर एक और चीज़ है कि जब भी उस लिस्ट के कोई भी आइटम पे क्लिक होगा तो वो स्पेसिफिक वीडियो वहाँ पे प्लेयर में प्ले होगा। तो ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में इम्प्लीमेंट करेंगे एक प्रैक्टिकल फ्लटर प्रोजेक्ट के थ्रू। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। आई होप कि आपको इस फ्लटर ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर्स की प्लेलिस्ट में आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी स्टेप बाय स्टेप। आप पूरा ए से लेके जेड तक इसमें सीख सकते हैं कि फ्लटर किस तरीके से काम करता है और अपने ऐप्स को डिज़ाइन कर सकते हैं। इस फ्लटर सीरीज़ को सपोर्ट करने के लिए आप कोडजीफाई YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि और लर्निंग वीडियोस मैं आपके लिए क्रिएट कर सकूं और अपलोड कर सकूं। अब गाइस सीधा चलते हैं स्क्रीन पर और देखते हैं कि किस तरीके से हम फ्लटर वीडियो प्लेयर को ऐड करते हैं और नीचे लिस्ट को डिस्प्ले करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने आफ्टर यूज़र लॉग इन हमने ये ग्रिड व्यू डिस्प्ले किया था जिसमें ये कोडिंग के कोर्सेस हम डिस्प्ले कर रहे थे, राइट। अब हमारा नेक्स्ट टास्क क्या है कि जब यूज़र इस कार्ड पर, इस ग्रिड कार्ड पर क्लिक करेगा तो उसे यहाँ पर एक वीडियो प्लेयर और पूरी कंप्लीट प्लेलिस्ट उस कोर्स से रिलेटेड यहाँ पे डिस्प्ले होनी चाहिए। तो इस वीडियो में बेसिकली हम लोग एक डिफ़ॉल्ट प्लेलिस्ट क्रिएट करेंगे एक लिस्ट के थ्रू, राइट। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक लिस्ट क्रिएट की हुई है, इस लिस्ट में सारी डिटेल्स मैंने एंटर की हुई है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये जो सारी डिटेल्स है ना इसको फायरबेस के थ्रू डेटाबेस से फेच करेंगे, पर अभी ये देखते हैं कि ये क्लिक इवेंट कैसे होता है और उसके क्लिक करने पे ये प्लेलिस्ट कैसे यहाँ पे डिस्प्ले करी जाए और यहाँ पे वीडियो प्लेयर को कैसे हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में अभी कवर करेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले इस ग्रिड व्यू पे ऑन क्लिक इवेंट इस पर अप्लाई करेंगे, ठीक है। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मेरा पिछला एपिसोड आप ज़रूर देखें, उसमें हमने दो चीज़ें की थी। एक कॉलम विजेट लिया था, उस कॉलम विजेट में हमने एक टेक्स्ट विजेट लिया था जिसमें हमने ये वेलकम यूज़र डिस्प्ले किया था, और नेक्स्ट हमने एक ग्रिड व्यू क्रिएट किया था, राइट। उस ग्रिड व्यू में हमने एक बिल्ड कोर्स कार्ड नाम की मेथड ली थी, उसमें हमने दो चीज़ें पास की थी, एक टाइटल और एक इमेज पाथ। और इस बिल्ड कोर्स कार्ड में हमने दो चीज़ें की थी, एक इमेज और एक टेक्स्ट विजेट क्रिएट किया था, राइट। अब हम यहाँ पे एक जेस्चर डिटेक्टर ऐड करेंगे ताकि उसके क्लिक इवेंट पे हमें पता चले, राइट। ये जेस्चर डिटेक्टर को हम यहाँ पे क्लोज करेंगे ताकि पूरे कार्ड पर वो क्लिक अप्लीकेबल रहे। अब इसमें हमें इस कार्ड को सबसे पहले चाइल्ड में ऐड कर देना है, ठीक है। अब हमें इसके ऑन टैप इवेंट पे नेविगेट करना है, ठीक है। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे navigator.push और कॉन्टेक्स्ट में हम राउट ऐड करेंगे कि हमें कौन से पेज पर जाना है। हम यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट ऐड कर देंगे और हम बोलेंगे कि हमें कोर्स डिटेल स्क्रीन पर लेके जाइए, और उसमें दो चीज़ें हम पास करेंगे, टाइटल और एक इमेज पाथ, ठीक है। बिल्डर को हमें यहाँ पे क्लोज करना होगा और यहाँ पे एक मटेरियल पेज राउट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा जेस्चर डिटेक्टर। अब आपको कोर्स डिटेल स्क्रीन नाम की एक स्क्रीन क्रिएट करनी होगी, राइट। तो सबसे पहले मैं इसको पूरा डिलीट कर देता हूँ ताकि आपको और बेटर तरीके से विजिबिलिटी हो, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे न्यू में जाएंगे, एक फ़ाइल क्रिएट करेंगे जिसका नाम हम देंगे कोर्स डिटेल स्क्रीन डॉट डाट, ठीक है। अब इस क्लास में आपको एक वीडियो प्लेयर क्रिएट करना है, ठीक है, और एक लिस्ट क्रिएट करनी है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे एक स्टेटफुल विजेट क्रिएट कर देता हूँ, उसका नाम मैं दे दूँगा कोर्स डिटेल स्क्रीन, ठीक है। और मटेरियल पैकेज इम्पोर्ट कर देते हैं फ्लटर का, इम्पोर्ट पैकेज फ्लटर मटेरियल डॉट डाट, ठीक है। अब यहाँ पे हमें वीडियो प्लेयर ऐड करना है, उसके लिए आपको एक चीज़ करना होगा, ठीक है। उसके लिए आपको फ्लटर का पैकेज यहाँ पे popspec.yml में ऐड करना होगा। तो उसके लिए आप ये ऐड कर सकते हैं YouTube प्लेयर फ्लटर वर्जन 8.1.2, यहाँ पर भी सर्च कर सकते हैं फ्लटर पैकेज YouTube प्लेयर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये पहला ही पैकेज मिल जाता है, इसको कॉपी कर लीजिए और यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं, और पब गेट की मदद से यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। ये एक चीज़ आपको इसमें करनी होती है। फिर अब हम आते हैं कोर्स डिटेल स्क्रीन पर। अब उसी YouTube प्लेयर का यूज़ करके हम लोग एक प्लेयर ऐड करेंगे।
सबसे पहले हमको यहाँ पे एक पैकेज ऐड करना होगा यूट्यूब प्लेयर का, ठीक है। अब हमने यहाँ पे जो ये पास किया था टाइटल और इमेज पाथ, इसको हम यहाँ पे ले लेंगे, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि नेक्स्ट स्क्रीन, इससे आपको ये पता चल रहा है कि पिछले स्क्रीन से, मतलब यहाँ से आपको नेक्स्ट स्क्रीन में अगर डेटा को पास करना है तो कैसे करेंगे। तो आप उसके लिए आपको एक बेसिक ओवरव्यू मैं दे देता हूँ। यहाँ पे आप जो नाम का आपने वेरिएबल यहाँ पास किया था ना, टाइटल और इमेज, उसको यहाँ पे क्रिएट करेंगे, ठीक है। एक इमेज पाथ में ले लेता हूँ और इसको आपको इनिशियलाइज़ करना होगा यूजिंग कंस्ट्रक्टर। तो आप ऐसे उसको इनिशियलाइज़ कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको रिक्वायर्ड देना होता है और जो भी वेरिएबल आपने क्रिएट किया है वो यहाँ पे आप दे सकते हैं, वैसे ही रिक्वायर्ड दिस डॉट इमेज पाथ। अब इसको आपको यहाँ पे करना होता है जहाँ पे स्टेटफुल विजिट हमने क्रिएट किया है, राइट। इसको आप हटा दीजिए लाइक दिस। अब यहाँ पे जहाँ पे ये स्टेट क्रिएट हुई, यहाँ पे हम लोग अब कंट्रोलर्स को क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको एक यूट्यूब प्लेयर कंट्रोलर लगेगा, तो उसके लिए हम ये यूज़ करेंगे और इसको मैं बोलूँगा यूट्यूब कंट्रोलर, ठीक है। प्लेलिस्ट के लिए हम एक लिस्ट क्रिएट कर देंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि फायरबेस से कैसे उसको फेच करना है, बट अभी के लिए उसका कॉन्सेप्ट हम समझ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आईडी सब हमें ऐड करनी होगी प्लेलिस्ट की, तो वीडियो की आप आईडी निकाल के यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे आईडी ऑलरेडी निकाल के रखी हुई है, तो वही मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये सारे वीडियोस की आईडी है, यूट्यूब वीडियोस की आईडी। एक हो गई हमारी लिस्ट यहाँ पे क्रिएट प्लेलिस्ट की। अब हमें टाइटल और डिस्क्रिप्शंस भी लगेंगे, राइट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक लिस्ट में वीडियोस की भी क्रिएट कर देता हूँ जिसमें थंबनेल यूआरएल टाइटल और डिस्क्रिप्शन हम ऐड कर देंगे, ठीक है। तो उसके लिए एक लिस्ट वीडियो नाम का हम क्रिएट करेंगे अभी मॉडल। उसके अंदर जो जो चीज़ें हम पास करेंगे वो रहेंगी थंबनेल यूआरएल टाइटल और डिस्क्रिप्शन। ये तीन चीज़ें हमें लगेगी जब यहाँ पे हम क्लिक कर रहे हैं ना, तो एक थंबनेल, एक टाइटल और एक डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम इस लिस्ट में हम ले लेते हैं। अब आपको ये जो एरर आ रहा है ना, इसको हम सॉल्व करेंगे। उससे पहले मैं आपको वीडियो प्लेयर को कैसे ऐड करना है वो सिखा देता हूँ, ठीक है। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले क्या करना होगा, जिसमें इनिट स्टेट हम यूज़ करेंगे, जैसे ही ऐप इनिशियलाइज होता है, जैसे ही ऐप शुरू होता है, उस केस में हमें सबसे पहले एक प्लेयर इनिशियलाइज करना है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो कंट्रोलर हमने ऊपर क्रिएट किए उसी की मदद से एक कंट्रोलर यहाँ पे हम इनिशियलाइज़ करेंगे। और उसकी जो इनिशियल आईडी, मतलब जब पहली बार मैंने यहाँ से क्लिक करके आया, तो ये जो पहला वीडियो है आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो वो होता है इस एरे के अंदर का जो भी पहला एलिमेंट है प्लेलिस्ट के अंदर, ये वाला, इसको हम यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे, ठीक है। ये एरर्स आ रहे हैं, इसको अभी के लिए मैं ऐसे कर देता हूँ। प्लेलिस्ट के अंदर जो भी पहला है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर आपको जो भी फ्लैग्स ऐड करने हैं कि कौन से, जैसे ऑटो प्ले आपको ऑफ करके रखना है तो आप वो कर सकते हैं। यहाँ पे मैं फ्लैग्स की मदद से यूट्यूब प्लेयर फ्लैग्स यहाँ पे लेके उसमें फ्लैग्स ऐड कर सकता हूँ। जैसे ऑटो प्ले हम फॉल्स कर देंगे और म्यूट भी हम फॉल्स कर देंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, ऑटो प्ले जैसे ही होगा वो इस स्क्रीन पर जैसे ही वो आएगा, तो ये वीडियो ऑटो प्ले नहीं होगा, ये पॉज हो जाएगा, बेसिकली वही इसका मतलब है। अब ये जो YouTube कंट्रोलर हमने यहाँ पे क्रिएट किया है, इसको यहाँ पे नाम दे देंगे। ये YouTube प्लेयर कंट्रोलर हमने यहाँ पे क्रिएट किया है, इसी का यूज़ करके यहाँ पे हम इसको करेंगे, ठीक है। अब ये चीज़ आपको ख्याल में रखनी है कि हम यहाँ पे डिक्लेयर कर रहे थे तो हमने यहाँ पे इक्वल टू साइन दे दिया था, जिसकी वजह से यहाँ एरर आ रहा था, राइट। तो ये बेसिक चीज़ है, डिक्लेरेशन में इक्वल टू नहीं लगता है, असाइनमेंट में लगता है। अब हम बिल्ड मेथड में सबसे पहले एक स्कैफोल्ड ऐड कर देते हैं, जिसमें हम ऐप बार हमारा ऐड कर देते हैं। तो स्कैफोल्ड के अंदर आपको एक ऐप बार ऐड करना है, जो ये कोर्स वीडियोस ऊपर दिख रहा है ये हम ऐड करेंगे अभी। उसका टाइटल हम देंगे, टेक्स्ट के अंदर हम दे देंगे उसको कोर्स वीडियोस, ठीक है। उसके बाद में उसका बैकग्राउंड कलर हमें सेट करना है, जो हम बोलेंगे ब्लैक कलर का है। उसके बाद हमें उसका कलर जो है फोरग्राउंड कलर, मतलब टेक्स्ट का जो कलर है ऐप बार के, उसका कलर हमें चाहिए वाइट, तो हम यहाँ पे फोरग्राउंड कलर की मदद से वो कर सकते हैं। अब हमें दो चीज़ें लगेंगी, एक प्लेयर के लिए और एक लिस्ट के लिए। तो यहाँ पे हमको एक कॉलम विजेट ऐड करना होगा, राइट। तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगा बॉडी
और सेंटर में इसको कर देता हूँ चाइल्ड में। हम ऐड करेंगे एक कॉलम विजिट, कॉलम विजिट के अंदर हम चिल्ड्रंस को ऐड करेंगे। अब इसके अंदर हमें दो चीज़ें ऐड करनी है, एक यूट्यूब प्लेयर, तो सबसे पहले हम यूट्यूब प्लेयर ऐड कर देते। कंट्रोलर हमारा है यूट्यूब कंट्रोलर, ठीक है। उसके बाद में अब आपको जो जो चीज़ें डिस्प्ले करनी है, जैसे वीडियो प्ले करने पे आपको एक प्रोग्रेस इंडिकेटर शो करना है, तो आप उसको वीडियो प्रोग्रेस इंडिकेटर फ्लैग के थ्रू कर सकते हैं। उसके बाद में आपको अगर उसमें जो भी जैसे वीडियो प्ले हो रहा है, तो उसमें ये जो इंडिकेटर दिखता है ना प्रोग्रेस इंडिकेटर, इसका जो स्टाइल है वो अगर आपको चेंज करना है, तो उसके लिए आपको यहाँ पर कर सकते हैं आप उसकी करंट पोजीशन की मदद से, और प्रोग्रेस बार उसके कलर्स आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल प्रोग्रेस बार कलर्स के अंदर आप उसको प्लेड कलर, उसमें मैं कलर दे दूँगा कलर्स डॉट ग्रीन, ठीक है। वैसे ही हैंडल का कलर आप यूज़ कर सकते हैं कलर्स डॉट ग्रीन लाइक दिस। उसके बाद आप इस एक्सपांडेड भी ऐड कर सकते हैं यहाँ पर ट्रू, ठीक है। अगर आपको कंट्रोलर्स में यहाँ पे बॉटम एक्शंस में अगर आपको यहाँ स्पीड का भी ऐड करना है कि कितने स्पीड से वो चलना चाहिए, तो उसके लिए भी एक प्लेबैक स्पीड मेथड अवेलेबल है। इसकी मदद से आप यहाँ पे स्पीड भी ऐड कर सकते हैं कि कितने स्पीड पर वो वीडियो चलेगा, ठीक है। ये हो गया हमारा प्लेयर ऐड। अब हम लिस्ट व्यू जो यहाँ पे प्लेलिस्ट ऐड है इसको ऐड कर देते हैं। तो उसके लिए आपको एक एक्सपांडेड लगेगा, ठीक है। इसमें हम एक लिस्ट व्यू क्रिएट करेंगे, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर। अब आपको कितने इसमें आइटम्स चाहिए वो सारी चीज़ें हम इसमें मेंशन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आइटम काउंट हम कर लेते हैं यहाँ पे कितनी होना। तो वीडियोस ये जो हमने लिस्ट क्रिएट की थी ना, इसका काम अब आएगा, ठीक है। तो वीडियोस की लिस्ट की जितनी भी लेंथ है वो यहाँ पे, और बिल्डर में कॉन्टेक्स्ट और इंडेक्स दो चीज़ें हम पास करेंगे, और इसमें हम क्रिएट करेंगे हमारा नेक्स्ट। ये रिटर्न करेगा एक फाइल, हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे वीडियो लिस्ट व्यू, जिसमें क्या होगा ये सारी जो जो लिस्ट के टाइल्स है, लिस्ट के जो कार्ड्स है, वो यहाँ पे इस मेथड में हम वो डिस्प्ले करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमको दो चीज़ें पास करनी होगी, एक वीडियो जो हम लिस्ट के थ्रू हम उसको पास करेंगे, ठीक है। कौन सा वीडियो हमें डिस्प्ले करना है, जब भी इस वीडियो पे क्लिक होगा, ठीक है, इस लिस्ट के आइटम पर, तो हमें उसको बताना है कि कौन सा वीडियो प्ले करना है YouTube कंट्रोलर को, राइट। तो हम YouTube कंट्रोलर को बोलेंगे भैया ये वीडियो क्लिक हुआ है, तो इसमें प्लेलिस्ट में से आप इसका इंडेक्स फाइंड करिए और उसकी आईडी निकाल के यहाँ पे प्ले कीजिए, और यहाँ पे वो प्ले मेथड से वो प्ले कर देंगे। अब बात आती है कि वीडियो लिस्ट व्यू को कैसे क्रिएट किया जाए, राइट। तो इसको करने के लिए हमें यहाँ पे सबसे पहले एक फ़ाइल क्रिएट करना होगा, वीडियो लिस्ट व्यू डॉट डाट। अब इस फाइल में हम लोग जो भी इसके अंदर चीज़ें हैं उसको हम डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। उसके लिए मैं यहाँ पे एक स्टेटलेस विजेट क्रिएट कर देता हूँ, उसको नाम में दे देता हूँ वीडियो लिस्ट व्यू, ठीक है। अब इसके अंदर आपको दो चीज़ें करनी है, सबसे पहले तो जो चीज़ें हमने यहाँ से पास की है उसको हमको यहाँ पे फेच करना होगा। उसको करने से पहले यहाँ पे हम पैकेज ऐड कर देते हैं, पैकेज फ्लटर मटेरियल डॉट डॉट, ठीक है। अब सबसे पहले हमें एक क्लास बनानी होगी वीडियो, ठीक है। उसके अंदर हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, तो हम बोलेंगे एक हमें थंबनेल यूआरएल चाहिए जो हमें डिस्प्ले करना है, तो मैं यहाँ थंबनेल यूआरएल क्रिएट कर दूंगा, ठीक है। वैसे ही हमें एक स्ट्रिंग भी लगेगी जो बोलेंगे हम टाइटल के लिए, वैसे ही हमें एक डिस्क्रिप्शन लगेगा। ये थंबनेल, ये टाइटल और डिस्क्रिप्शन, तीन चीज़ें हमें लगेगी, राइट। और इसको हम इनिशियलाइज करेंगे यूजिंग कंस्ट्रक्टर, तो आपको पता है कि किस तरीके से करते हैं, हमने पिछले इसमें किया था थंबनेल यूआरएल, वैसे ही रिक्वायर्ड हम करेंगे दिस डॉट टाइटल, और एक चीज़ हमें चाहिए जो है डिस्क्रिप्शन। ये हो गया हमारा वीडियो का क्रिएशन, ठीक है। अब यहाँ पर उसका यूज़ करके हम लोग
डिस्प्ले करेंगे चीज़ों को। तो हम यहाँ पे फाइनल वीडियो क्रिएट करेंगे, ठीक है यहाँ पे। उसके बाद में एक कॉल बैक हम क्रिएट करेंगे, जिसको मैं बोलूँगा वॉइड कॉल बैक ऑन वीडियो टैप। जब भी वीडियो पे क्लिक होगा तो यहाँ से एक कॉल बैक जाएगा, कहाँ पर, यहाँ पर ऑन वीडियो टैप। उसी कॉल बैक की मदद से हम लोग यहाँ पे वीडियो को प्ले करवाएंगे, ठीक है। जब भी यहाँ पे क्लिक होगा इस वीडियो पे तो यहाँ पे एक कॉल बैक क्रिएट होगा, ठीक है। वॉइड कॉल बैक लाइक दिस, ठीक है। इसको हटा देता हूँ मैं। अब हमें यहाँ पे दो चीज़ें चाहिए वीडियो लिस्ट व्यू के अंदर, तो इसको इनिशियलाइज पहले करना ही होगा, नहीं तो वो एरर शो करेगा, रिक्वायर्ड दिस डॉट वीडियो, ठीक है। वैसे ही रिक्वायर्ड दिस डॉट ऑन वीडियो टैप, एक कॉल बैक हम यहाँ पे इनिशियलाइज करेंगे, ठीक है। अब आता है कि लिस्ट टाइल को कैसे ऐड किया जाए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिस्ट टाइल ऐड करेंगे। इसके अंदर हम उसको लीडिंग बोलेंगे, कि लीडिंग में हमें एक इमेज चाहिए, तो हम उसके लिए कंटेनर क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। इस कंटेनर के अंदर हमें एक चाइल्ड ऐड करना है, जिसको हम बोलेंगे इमेज। वो इमेज हम कहाँ से लेंगे, जो भी इस वीडियो में हमने पास किया है, राइट। इसके अंदर हमने, आपको याद होगा, तो थंबनेल, यूआरएल, टाइटल और डिस्क्रिप्शन तीनों चीज़ें हमारे पास, तो उसी का यूज़ करके मैं यहाँ पे ये यूआरएल ले लूँगा, ठीक है। अब इसको फिट करना है, अगर आपको बॉक्स के अंदर, तो आप यूज़ कर सकते हैं प्रॉपर्टीज़ फिट बॉक्स कवर, बॉक्स फिट डॉट कवर, ठीक है। अब अगर आपको यहाँ पे हाइट और विड्थ उसकी मेंटेन करना है इमेज की, तो आप वो भी कर सकते हैं यूजिंग कंटेनर। यहाँ पे हाइट मैं दे दूँगा 100 और विड्थ भी मैं दे देता हूँ 100, ठीक है। अब इस लिस्ट टाइल में हम लोग इसको देंगे टाइटल। टाइटल में हम पास करेंगे टेक्स्ट, ठीक है। टेक्स्ट कहाँ से आ रही है, वीडियो डॉट टाइटल में से, ये टाइटल में से, ठीक है। इसको मैं ले लेता हूँ यहाँ पे। और स्टाइल आपको करना है तो आप कर सकते हैं यहाँ पे टेक्स्ट स्टाइल में दे दूँगा इसको फॉन्ट वेट, थोड़ा सा बोल्ड कर देंगे टेक्स्ट को, ठीक है। और जो नेक्स्ट वाली टेक्स्ट है उसका भी सेट करेंगे। उससे पहले यहाँ पे फॉन्ट साइज़ में ऐड कर देता हूँ 18 हम दे देते हैं इसको। अब नेक्स्ट चीज़ आपको लगेगी एक सबटाइटल, ठीक है। अब लिस्ट टाइल में तीन चीज़ें आपके पास अवेलेबल रहती है, एक लीडिंग जो भी आपको स्टार्ट में शो करना है, एक टाइटल, और अगर आपको सबटाइटल ऐड करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। तो सबटाइटल के लिए, सबटाइटल ऐड करने के लिए आपको टेक्स्ट में जो भी डिस्क्रिप्शन ऐड करना है वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। आपको इसको भी स्टाइल करना है, आप कर सकते हैं टेक्स्ट स्टाइल की मदद से, और उसको मैं फॉन्ट साइज़ दे दूँगा 18, ठीक है। अब यहाँ पर हमको एक चीज़ हैंडल करनी होगी, कि जब भी इस पर क्लिक होगा हमें एक कॉल बैक कॉल करना है ऑन वीडियो टैप। जैसे ही ये कॉल होगा, इसको इन्फॉर्मेशन आएगी कि कोई तो लिंक क्लिक हुई है यहाँ पर, तो उस वीडियो पे क्या करना है, प्लेलिस्ट में जो भी इंडेक्स है, यानी फर्स्ट वीडियो क्लिक हुआ तो यहाँ से निकालो फर्स्ट वीडियो की आईडी और ये वीडियो यहाँ पे डिस्प्ले कर दो, ठीक है। तो इस तरीके से वो सारी चीज़ें यहाँ पे हैंडल होती है। और यहाँ पे हमको वो फाइल ऐड करनी होगी वीडियो लिस्ट व्यू डॉट डॉट, तो इस तरीके से वो चीज़ें चलेगी। अब एरर्स को सॉल्व कर देते हैं, कि जो जो एरर्स आ रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे एक एरर आ रहा है, ठीक है। वीडियो लिस्ट व्यू में क्या एरर आ रहा है वो देख लेते हैं। इस कंटेनर को रैप कर देते हैं पैडिंग में, तो आपको ये जो स्पेसिंग यहाँ पे दिख रही है ना कार्ड्स में, ये सारी विजिबल हो जाएगी, नहीं तो ये एक के नीचे एक पूरा, मतलब मैस्ड अप दिखेगा। इससे अच्छा है कि पैडिंग ऐड कर देते हैं, राइट। ठीक है, कोर्स डिटेल स्क्रीन में आपको एक और चीज़ करनी होती है, अपने मोबाइल ऐप का परफॉर्मेंस अगर आपको प्रॉपर रखना है तो आपको ये मेथड यूज़ करनी चाहिए यहाँ पे। अदरवाइज़ क्या होगा, मेमोरी रिसोर्सेज फ्री नहीं होगी तो आपका ऐप हैंग भी हो सकता है। टाइम टू टाइम मेमोरी को प्रॉपरली क्लीन करने के लिए आप उसके लिए डिस्पोज मेथड यूज़ कर सकते हैं, राइट। अब इसको आप रन करते हैं ऐप को, तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो कंप्लीट प्लेयर है और सारी प्लेलिस्ट यहाँ पे डिस्प्ले हो गई है। यहाँ पे पैडिंग की कमी आपको दिख रही होगी, स्पेसिंग प्रॉपर नहीं ऐड हुई है, तो वो चीज़ यहाँ पे ऐड कर देते हैं। कंटेनर को हमने यहाँ पे पैडिंग दे दी है, राइट। तो सबसे पहले इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। हमको लिस्ट को पैडिंग देनी है, ताकि वो लिस्ट को प्रॉपर
स्पेसिंग प्रोवाइड करे लाइक दिस। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रॉपरली स्पेसिंग आ चुकी है लिस्ट टाइल में। तो आप लिस्ट टाइल के अंदर पैडिंग ऐड करेंगे तो वो लिस्ट को ही देगा, राइट। कंटेनर में ऐड करेंगे तो कंटेनर को देगा, सिंपल। तो एक बार मैं फिर से ओवरव्यू दे देता हूँ कि हमने क्या क्या चीज़ें की। सबसे पहले हमने होम स्क्रीन पर आए, ठीक है, ये हमने पिछले एपिसोड में क्रिएट किया था। अब यहाँ से जब भी क्लिक होता है तो उस पर हमने एक जेस्चर डिटेक्टर ऐड किया और उसको पुश किया कौन से स्क्रीन पे, कोर्स डिटेल स्क्रीन पे। कोर्स डिटेल स्क्रीन से वो कोर्स डिटेल स्क्रीन से वो इस स्क्रीन पर आया। अब कोर्स डिटेल स्क्रीन में हमने क्या किए, हमने पहले तो सबसे पहले एक कंट्रोलर हमने इंस्टॉल किया जो है यूट्यूब प्लेयर कंट्रोलर, ठीक है। उसके बाद में हमने एक प्लेलिस्ट क्रिएट की जो हमको यहाँ पे डिस्प्ले करनी थी, तो मैंने यूट्यूब से उसकी आईडी निकाल के यहाँ पे ऐड कर दी। उसके बाद में हमने वीडियोस का एक लिस्ट बनाई जो इस मॉडल को फॉलो करेंगी, ठीक है, इस क्लास को। ये हमने एक सेपरेट क्लास क्रिएट की हुई है जिसमें हमने टाइटल, थंबनेल और डिस्क्रिप्शन, ये तीन चीज़ें ऐड की हुई है यहाँ पर, राइट। उसके बाद हमने यहाँ पर इनिट स्टेट मेथड में जब भी ये पेज लोड होता है उस केस में हमने YouTube प्लेयर कंट्रोलर को इनिशियलाइज़ किया कि पहली बार जो वीडियो डिस्प्ले करना है वो है जो भी प्लेलिस्ट का पहला वीडियो है आईडी है वो तुम लेके यहाँ पे इसको आईडी दे दो, और ये ऑटोमेटिक यहाँ पे कंट्रोलर असाइन हो गया, ठीक है। उसमें हमने कुछ फ्लैग्स भी ऐड कर दिए कि ऑटो प्ले मत करना वीडियो को, म्यूट मत करना वीडियो को, ठीक है, ये चीज़ें ऐड की। उसके बाद में हमने यहाँ पे एक ऐप बार, फिर जो UI डिज़ाइनिंग है वो हमने क्रिएट करना शुरू किए। ऐप बार के अंदर हमने हेडिंग डाला, ठीक है, फिर हमने कॉलम विजेट के मदद से एक प्लेयर यहाँ पे ऐड किया, ठीक है, और एक लिस्ट व्यू ऐड की। अब प्लेयर कैसे ऐड किया, यूट्यूब प्लेयर की मदद से एक कंट्रोलर जो हमने ऊपर क्रिएट किया था वो, और प्रोग्रेस, फिर जो उसके मतलब जो एक्शंस है वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले करना, डिज़ाइन करना है, जैसे वीडियो प्रोग्रेस इंडिकेटर आपको शो करना है कि नहीं, बॉटम एक्शन में आपको प्लेबैक स्पीड बटन मतलब कितने स्पीड पर वीडियो चलाना है वो ऑप्शन देना है या नहीं, प्रोग्रेस बार का अगर आपको हैंडलिंग करना है तो आप कर सकते हैं इस तरीके से। फिर लिस्ट व्यू बिल्डर की मदद से हमने जितने भी इस लिस्ट में वीडियोस थे वो सारे यहाँ पे लेंथ आएंगे, उसकी लेंथ लेके यहाँ पे आइटम काउंट असाइन किए, और इसके अंदर वीडियो लिस्ट व्यू के अंदर हमने एक नई फाइल बनाई वीडियो लिस्ट व्यू। उसके अंदर हमने जो ये हमारा डिज़ाइनिंग था लिस्ट टाइल, ये हमने डिज़ाइन किया। अब लिस्ट टाइल के अंदर हमने लीडिंग की मदद से थंबनेल ऐड किया, टाइटल की मदद से टाइटल, और सबटाइटल की मदद से ये डिस्क्रिप्शन ऐड किया, ठीक है। अब इस वीडियो पे जब भी क्लिक होगा, जैसे इस पे क्लिक किया तो यहाँ पे एक नेक्स्ट वीडियो, दूसरा वीडियो प्ले होगा, तो वो कैसे होगा, जैसे ही क्लिक हुआ तो ऑन वीडियो टैप नाम का मैंने एक कॉल बैक यहाँ पे क्रिएट किया, ठीक है। फिर जब भी ये क्लिक होगा तो यहाँ पर कोर्स डिटेल स्क्रीन में हम उसको एक कॉल बैक देंगे कि यहाँ पे क्लिक हुआ है, और जो भी हैंडलिंग हमें करना था कि यूट्यूब कंट्रोलर को हमको फिर से एक बार रिलोड करना होगा और बताना होगा कि प्लेलिस्ट में ये इंडेक्स पे जो भी वीडियो है आईडी उसको लेके उसको प्ले करो, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि ये जो लिस्ट आ रही है इसको हमको फायरबेस डेटाबेस से फेच करना है, तो किस तरीके से वो करे, वो सारी चीज़ें हैंडल हम इस ऐप में करेंगे। आई होप कि आपको फ्लटर में ग्रिड व्यू के क्लिक इवेंट पे नेक्स्ट पेज पर कैसे जाते हैं, उसके बाद में उसमें वीडियो प्लेयर कैसे ऐड करते हैं, लिस्ट व्यू कैसे ऐड करते हैं, इस वीडियो में आपके वो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके होंगे। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और वीडियोस अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अपने फ्रेंड्स को भी इस चैनल के बारे में बताएं। कोडिंग से रिलेटेड सारी प्लेलिस्ट मैं यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ, सिंप्लीफाइड वे में कोडिंग को एक्सप्लोर कर सकते हैं। एंड गाइस, आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।